प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका जीके भी केमिस्ट्री। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह है। कुछ बच्चों के लिए अंडरग्राउंड होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की जो फाइनल डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। देखो कौन कौन से डेट है आपकी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखो, जो आपकी क्लास ट्वेल्थ के रिगार्डिंग जो एग्जाम की जो डेट है 4 मार्च से, वो आपकी 7 अप्रैल है। क्लास ट्वेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी महाराष्ट्र बोर्ड में। और जो SSC के रिगार्डिंग है, क्लास टेंथ के रिगार्डिंग है, उसकी जो डेट है 15 मार्च से 18 अप्रैल। तो अब आपको ये डेट पता चल गई और कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होगा ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिले तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब रही बात सिलेबस के रिगार्डिंग, तो मैं क्लास ट्वेल्थ के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ। जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, आपको पता है ड्यूरिंग कोविड आपका 25% आपका सिलेबस कम हुआ था। तो ये बहुत ध्यान से प्रिसाइजली देखना कि कौन कौन सा टॉपिक आपका नहीं आ रहा, कौन कौन सा टॉपिक आपका आ रहा है। तो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको बहुत 100% तरीके से आपको तैयार करना, ताकि आप एग्जाम में फोड़ के आओ। तो देखो, लास्ट मैथ की जो टिप्स हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो होती है राइटिंग, क्योंकि वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना, वो भी रिटन फॉर्म में। अब देखो राइटिंग में, देखो एक चीज अच्छे से समझना, जब कभी भी फैकल्टी आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको सबसे सही वो आंसर लगता है जो कि नीट एंड क्लीन होता है। जितना अच्छी राइटिंग में लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से लिखोगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने आंसर में कुछ भी चीज़ें लिख दी, गाना लिख दिया, कुछ भी चीज़ें लिख दी, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर कीवर्ड्स होते हैं, आपको पता है जब कोई भी आप एक आंसर लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो आपको पता है कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर उनको आप यूज़ करके आप आंसर लिखोगे तो आपके जो प्रोबेबिलिटी आपके जो मार्क्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। चलो अब देखो दूसरा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको थ्योरी याद नहीं हो रहा, हम क्या करें, हमसे रटा नहीं जा रहा। देखो जब कभी भी अगर आपको थ्योरी याद नहीं हो रहा तो उसको रिपीटेशन की फॉर्म में याद करो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, दिन में 2-3 बार पढ़ो, ताकि आपको वो याद हो जाए। और एक चीज़ याद रखना, जो आपका जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें अप्रोक्स आपके 2 महीने बाकी हैं। तो यार ये जो 2 महीने हैं, अगर 2 महीने का अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से फोड़ सकते हो। तो थ्योरी को आपको कैसे याद करना है, रिपीटेशन की फॉर्म में, कैसे भी करके। या फिर तो देखो ऐसे करो, आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, आंसर आप अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो, देखो फिर उसके बाद में आंसर को मैच करा के देखो कि कौन सी गलती आपने की है, कौन सा कीवर्ड आप भूल गए, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें। तो कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको डिटेल में समझना है तो उसके PYQ से देखो कि कौन कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ें। अगर इसमें अगर आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती, किसी भी सीनियर से आप हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो भी आपको डिटेल में बताएगा कि यार अपन ऐसे आंसर लिखते हैं या फिर ऐसे आंसर हम लोग नहीं लिखते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 है वो आपकी मेंटल स्टेट के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। जो पॉइंट नंबर 1, 2, पॉइंट नंबर 3 है वो आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 3 में आपने इन्फॉर्मेशन गेन की, उसको आपको कैसे पचाना है, कैसे हजम करना है, कैसे उसको एक मार्क्स में कन्वर्ट करना है, कैसे आपको वो अच्छे से यूज़ करना है, वो आपको पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 बताएंगे। देखो अगर आप कॉन्फिडेंस हाई रखोगे तो सारी चीज़ें अच्छा जाएंगे, आप एग्जाम में बहुत अच्छा फोड़ के आओगे। और मोटिवेट आपको हर हालत में रहना, अभी आपका कॉन्फिडेंस आपका लो करने वाला टाइम नहीं है, वो होता है ना कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए आपका। और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए।